पत्थर से। और ये सब भी ना चला आरना जस्ट अभी आई हो स्कूल से और कपड़े कहाँ पड़े, एक ये रहा और ये मेरी उंगली कहाँ जा रही है, एक मेरी उंगली कहाँ जा रही है, एक ये रहा एक ये रहा है। और ये देखो हमारा जो लड़का है ना ये अभी से ही बिगड़ रहा है। अरे सिर्फ एक बटन रह गया है इसका, ये रहा, बाकी तीनों खोल दिए इसने ऐसे। ये देखो अरे हाँ, मैं आप सबका वेलकम तो करती हूँ अपने चैनल पे, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे बाल तो अभी मैंने, अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही दवाई खाई है, फिर जब मैंने वीडियो का एंड किया है तो उसके बाद मैंने दवाई खाई थी। अब मैं जाऊंगी, अभी खाना वगैरह बनाते हैं, लंच बनाएंगे। लंच क्या मतलब, आलू उबाल के रख दिए थे सुबह और आटा गूंद के रख दिया था, अब करना है। बेटा कौन सी चीज ढूंढ रही हो तुम? आर ना नीचे आ जा बेटा, चोट लग जाएगी, कोई चीज नहीं लग जाएगी, ये भी छूट जाती है। आर ना आ जाओ बेटा, ये देखो उसको, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो गिटार है। ओहो गिटार, आरना का गिटार दिखाना जरा गिटार, ये देखो वैसा गिटार, इसमें कॉइन है, ये 1 रुपीस है पापा, हाँ 1 1, और ये ताजमहल, ये ताजमहल है। अच्छा ताजमहल बना हुआ है, और तुम क्या सोच रहे हो, गुंडा बन जाओ अभी से बेटा। अरे नहीं इसके ऊपर लग जाएगी इसको, गुंडे बन जाओ अभी से तुम, ऐसे क्या हाल कर रहे, क्या है ये कपड़े तुम्हारे, क्या है ये क्या कपड़े है तुम्हारे, तो लग जाते हैं अपने काम पर। और शाम के हो रहे हैं 4, तो आजकल जो है ना मैं अपना जो शाम का काम है ना वो जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, और आप समझ सकते हो मैं क्यों ऐसे करती हूँ। तो मैंने सुबह कपड़े वॉश किए थे, वो सूख चुके हैं, अच्छा सूख तो 1 घंटा पहले गए थे, पर क्या है ना कि मैं आरना को पढ़ाने लग गई थी क्योंकि उसके जो एग्ज़ाम है ना वो आने वाले हैं, तो पूरा जो फोकस है उसके पढ़ाई पर ही है और साथ में बेबी पर भी है। तो मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, और खाने में आज मैं बनाऊँगी मलाई कोफ्ते, जिसके लिए जो है ना मैं आलू को बॉयल करने के लिए रख दूँगी, और वो बॉयल होते रहेंगे, साथ साथ में मेरे घर के झाड़ू और झाड़ू झाड़ू लग जाएगी, किचन को भी अच्छे से साफ कर दूंगी। अच्छा सबने बताया नहीं कि जहाँ मैंने फ्रिज रखा है वहाँ पर कैसा लग रहा है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं किचन में वापस कर सकती हूँ, बस मुझे 1 हफ्ता देख लीजिए, मैं देख लेती हूँ कि कैसा रहता है, मुझे बताना कॉमेंट करके कि फ्रिज उस जगह पर अच्छा लग रहा है जहाँ किचन में था कि वहीं पर ही रख लूँ, और बताना मुझे कॉमेंट करके, ठीक है। तो अभी मैं जो कपड़े जो मैं लेकर आई हूँ ना साथ साथ में मैं रख, अब मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ ही रख देती हूँ, फिर कपड़ों का ढेर हो जाता है ना, फिर वो मन नहीं करता है, फिर ऐसे लगता है कि चल कल कर लेंगे, चल अभी कर लेंगे, वो ऐसा ही रहता है, और ऊपर से कपड़ों का ढेर इतना लग जाता है कि क्या बोलूँ। इसलिए मैं ना जब भी जैसे ही कपड़े वॉश करके लेकर आती हूँ ना, धुल जाते और सूख जाते तो मैं वो कर देती हूँ, रख देती हूँ। और इस वाले बालकनी में मैं पता नहीं कितने महीनों बाद आई हूँ, बहुत महीनों बाद आई हूँ, और इस वाले बालकनी का नंबर ही नहीं आ पाता है कि साफ़ करने का, क्योंकि इस वाले बालकनी को साफ़ करने में ना पूरे 2 घंटे चाहिए, सारे पौधों को हटाना ये सब करना। और आप कितने तक कॉमेंट आते हैं कि दीदी आप कौन से फ्लोर पर रहते हो, तो देखो मैं रहती हूँ 23 फ्लोर पर, और आप देख सकते हो नज़ारा यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, और जब मौसम बहुत अच्छा हो ना बारिश वाला हो तो यहाँ का तो जो व्यू हो ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम 23 फ्लोर पर रहते हैं और भूकंप से बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा।
अच्छा मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी अगर हम इतने ऊंचे पर ले लेते हैं तो भूकंप का मतलब किस चीज किस किस का डर रहता है। तो देखो डर तो किसी चीज का नहीं है, बस यही है कि भूकंप का रहता है और किसी का चीज का नहीं रहता है यहाँ पर। और दूसरी चीज व्यू बहुत अच्छा आता है, जब मौसम अच्छा होता है ना तो उसका नजारा ही अलग होता है। शिवा महादेवा शंभु। बेबी के कट रहे हैं नेल और उसके नेल बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी कब काटे मैंने, 3-4 दिन पहले काटे, फिर बड़ गए इसके नेल। ये देखो नींद आ गई, आ गई नींद, आ गई नींद, आ गई नींद बेबी को, आ गई नींद। और आज ना घर से बेटा 1 मिनट, आज ना घर से आएगा मेरा भाई। मतलब क्या है बेटा, क्या है, तुम क्या करना चाहते हो? ये देख रहे हो, देख रहे हो उसके हाथ, देख रहे हो? हाँ बेटा मामू। हाँ जी हवा करना है क्या? हाँ जी मामा जी आएंगे आज, मामू आएंगे, आज आएंगे मायके से, मेरे मायके से आ रहे हैं आज। मैं बोल रहा जा रही हूँ ये कितने सारे जने आ रहे, भाई आएगा। और अभी मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करने हैं, खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ जैसा आपको मालूम है। और मेरा शाम का काम जो है ना शाम के 4 बजे से शुरू हो चुका है, बट अभी आलू ही उबले हैं। और आज मुझे बनाने हैं मलाई कोफ्ते, मलाई कोफ्ते बनाएंगे आज हम। पर ये इनको देखो, इनको देखो, इनके साथ ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है इनके साथ। और तबियत अब फिर थोड़ी सी बेटर लग रही है, मतलब हाथ पैर में दर्द नहीं है। जब हाथ पैर में दर्द होता है ना तो फिर एकदम अच्छा सा नहीं लगता है, क्या बताऊँ, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है बस बैठे रहो बैठे रहो। हो गई बेटा, हो गई हो गई हो गई हो गई, ऐसे ये 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 करके दिखाओ भाई ये। तो मैं अब कर रही हूँ मलाई कोफ्ते बनाने की तैयारी। जो आलू को मैंने अच्छे से हाथ से मैश कर लिए हैं, और जो पनीर है पनीर को कद्दूकस करके उसको मिक्स कर लिया है। इसमें जो भी आपको डालना हो हरी मिर्च वगैरह और सारे मसाले वो आप डाल सकते हो, बट मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि आरना भी खाती है। धनिया डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी, और हल्दी जो है ना हमारे हिंदू धर्म में ना हल्दी वो माना गया है कि हल्दी ही डलेगी डलेगी सब्जी में, चाहे आपको नाम का क्यों ना डालना पड़े, मतलब नाम का कहने का मतलब कि थोड़ी सी क्यों ना डालनी पड़े पर डालनी पड़ती है। अब उसके मैंने कोफ्ते बना दिए हैं और बस अभी इसको हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसका मसाला तैयार करूँगी। और साथ में ना मैंने बेबी को यहीं पर ही रखती हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ इस तरीके से अपने पास रख लेती हूँ, उसको मैं दिखाई भी देती रहती हूँ, साथ साथ में उससे बातें भी होती रहती हैं और फिर वो परेशान नहीं करता है। और ना आरना के पापा वो काम कर रहे होते हैं तो, और बस अभी हमारा खाना बन चुका है। तो मलाई कोफ्ते की रेसिपी आप मुझसे पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है? तो मैंने ज़्यादा डिटेल में दिखाई नहीं है, तो बस अभी मैं अपने लिए खाना बनाने लेकर जा रही हूँ, बर्तन आके साफ़ करूँगी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। आरना और आरना के भाई दोनों सो चुके हैं, तब जाके मैं खाना खाती हूँ। हस्बैंड ने और भाई ने दोनों ने खा लिया खाना, मेरा रह गया है, तो बस अभी मैं आ गई हूँ। अच्छा मैं पता क्या कर रही थी, दूध को मैंने गर्म तो किया नहीं था, मतलब थैली में से निकाल रही थी तो दूध थोड़ा सा गिर गया और मेरा काम यहाँ का बढ़ गया। फिर मैंने क्या करा, पानी से अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि ना फिर अगर मैं उससे करती ना कपड़े से तो कपड़े में भी स्मेल हो जाती है और फिर अच्छा सा नहीं लगता, धब्बे धब्बे सो जाते हैं दूध के, इसलिए मैंने उसको धो दिया पूरा काउंटर टॉप। चाय बन चुकी है, चाय पीते हैं और फिर जाते हैं सोने के लिए। टाइम हो गया था 11:30 हो चुके थे, तो अभी हम बस किचन विचन साफ़ करके फिर चाय पीते हैं। चाय पीने पीते पीते एक सीरियल देखेंगे जो कि अच्छा लगता है। आजकल हम पुराना सीरियल देख रहे हैं सुराग, अगर आपने देखा होगा सुराग सीरियल है वो हम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है इस टाइम पर। रात में ज़्यादातर वही देखते हैं, मैं मेरे हस्बैंड और भाई हम यहीं बैठ के यही देखते रहते हैं। और मुझे जासूस सीरियल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सस्पेंस टाइप के जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो चलो अभी चाय वाय पी लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सुबह। ठंडा मौसम सा पैर ना ठंडे ठंडे से पैर कह रही, सॉरी फर्स्ट जो है ना ठंडा ठंडा सा लग रहा है। और अभी मैं युवान को सुला कर आ गई हूँ क्योंकि उठ गया था, नहाया है वो आज। और मैं
आप सबके जो कमेंट है, मैं सोच रही हूँ कि इसी में, वैसे मैंने रिप्लाई कर दिया है, फिर सोच रही हूँ कि चलो इस बार जो है ना ऐसे बोलती हूँ, ऐसे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो सब वही कह रहे हैं कि हाँ मेरी तबीयत जो है पहले से ठीक है, सबका यही आ रहा है कि दीदी अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, काम थोड़ा कम कीजिए। तो थैंक यू सो मच, आज आप सब इतनी केयर करते हो ना, अच्छा लगता है मुझे। तो अंजना सिंह जी हैं, वो भी मुझे डेली कमेंट करती है और वो मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप अपना ख्याल रखा। अच्छा, बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी आप अपना ध्यान रखना और मेरी जो तबीयत है पहले से ठीक है, और ठीक है मतलब अब हाथ पैर में दर्द नहीं है, ठीक है, घर का सारा काम भी कर लिया बिना आराम से, बिना उसे बैठ कर आराम से कर लिया मैंने। पूजा सिंह जी हैं, अच्छा ये पूजा सिंह जी तो जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी ना, उनकी भी वहीं पर डिलीवरी हुई थी, तो वो बहुत, वो हमेशा कमेंट करती है और अच्छा लगता है मुझे। और एक है हरवाड़ी ए ब्लॉग जो है ना, वो भी मुझे डेली कमेंट करती हैं। और हैं विश्वास लाइफस्टाइल, ज्योति ज्योति जी से मेरा नाम है ज्योति जी, पिंकी गुप्ता, ये भी मुझे कमेंट करती हैं, अच्छा लगता है। और एक हैं भक्तावार, तो वैसे मैंने सबके रिप्लाई मैंने कर दिए हैं। अच्छा अभी इनका एक कमेंट आया हुआ था गुरप्रीत सिंह जी का, सॉरी गुरप्रीत नाम है उनका, तो उन्होंने मुझसे बोला है कि बेबी दीदी आप नेक्स्ट ब्लॉग में ना मेरे बेबी का नाम जरूर लीजिएगा, उनका जो बेबी है वो 7 नवंबर को हुआ है और उनके बेबी का नाम है कार्तिक, बहुत प्यारा नाम है, कार्तिक नाम है उनका। अच्छा और वो हुए थे 7 नवंबर को हुए थे, उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो थैंक यू सो मच, और आपके बेबी का नाम बहुत प्यारा है कार्तिक, अच्छा है ना। निक्की भार्गव, तो प्रीति जी भी, उनका भी अभी कमेंट आया था 1 घंटा पहले कि दीदी फीवर में बेबी को फिट करवा सकते हैं, तो जी हाँ आप करवा लीजिए, ऐसा कोई नुकसान नहीं है, आप करवा सकते हो। ये मुझे भी था फीवर, तो तब भी मैंने बेबी को फिट करवाया था, ऐसा कुछ नहीं है, आप करवा लीजिए। और ये भी मुझे डेली कमेंट करती है। अच्छा इनका जो नाम है ना भाज वर्टी वर्टी जी, और इन्होंने मुझसे बोला है कि दीदी मेरा नाम लीजिएगा, तो उनका नाम है दीपशिखा, बहुत प्यारा नाम है दीपशिखा। शिखा जो नाम है ना, वो जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मुझे ये नाम ना बहुत अच्छा लगता था दीपशिखा। मेरी क्लास में एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड नहीं थी, बट वो मतलब हम अलग अलग बैठती थी, तो उसका नाम था दीपशिखा, तो मुझे उसका नाम बहुत प्यारा लगता था, अच्छा लगता है ये नाम दीपशिखा। और एक ये है राणा जी भी, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया है, टेक केयर दीदी, ध्यान रखना अपना। उनका वेट जो है ना वो निकल गया है डिलीवरी के बाद, तो देखिए अगर आपका जो पेट है वो निकल गया है ना, तो आप ना गर्म पानी जो होता है वो भी ले सकते हो, जीरा वाला पानी भी आप पी सकते हो, तो उससे वेट भी कम, आपका पेट भी कम हो जाएगा और आपका जो वेट है वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बेबी मतलब माँ का जो दूध है ना वो भी बनता है। अच्छा ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि दीदी माँ का जो दूध है ना वो किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो आप देखो मूंग की दाल होती है वो भी खा सकते हो, दलिया और लाल मसूर दाल होती है वो भी खा सकते हो, उससे भी दूध बनता है, घी सबसे ज़्यादा खाइए, ठीक है, और क्या खाते हो, जीरे वाला पानी भी पी सकते हो, उससे भी दूध बनता है, तो आप ये सब ले सकते हो। और जितना मुझे पता है, जितना मैं खाती हूँ, तो मैं वही बता रही हूँ आपको ना, तो आप ये सब खा सकते हो, तो इससे माँ का दूध भी आएगा और बच्चे का पेट भी भरेगा। और जब भी अगर आप खाना वाना खाते हो तो बच्चे को फीड जरूर करवाइए, ताकि बेबी का जो पेट है वो जल्दी भर जाता है, आप ये भी कर सकते हो। सभा नोमन सिस्टर, मेरा जो बेटा है फीडिंग करते वक्त उसको बहुत पसीना आता है। हाँ ये मुझे आया था कमेंट और मैंने उनका रिप्लाई भी कर दिया था। तो देखो जिसको ज़्यादा पसीना आता है ना बेबी को, वो क्यों आता है वो मैं बताती हूँ। तो देखो पसीना बेबी को पता है स्टार्टिंग में ना जब वो युवान हुआ था ना, तब मैंने उसको पहला फीड करवाया था, तो उसको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, और वो तब होता है क्योंकि देखो हम गर्म गर्म चीज़ें खाते हैं, और उसको अभी भी पसीने आते हैं, हम गर्म गर्म चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं इस टाइम पर ना जब डिलीवरी हो जाती है, तो और अंदर का जो होता है ना, अंदर जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म गर्म ही होता है। जब भी हम बेबी को फीड करवाते हैं तो जो माँ का दूध होता है वो गर्म ही आता है, तो इसकी वजह से जो है ना बेबी को
पसीना ज़्यादा आता है, अभी भी युवा को ना पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। और मेरे पास ये भी कमेंट आया था कि दीदी आप ठंड में बेबी को वो क्यों नहीं पहनाते हो, कैप क्यों नहीं पहनाते हो, तो मैंने इस टाइम पर ना उसको बंद कर दिया है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसीने आते थे। और यहाँ का जो टेम्परेचर है ना सुबह और शाम का जो है ना थोड़ा बहुत ठंडा रहता है, ज़्यादा नहीं, दोपहर में जो है ना थोड़ी गर्मी लगती है, तो इस वजह से मैं नहीं पहनाती उसको, बहुत पसीने आते हैं। ठीक है, पिंकी गुप्ता जी मुझे कमेंट करती है, दिल शाना भी मुझे कमेंट करती हैं, तो उनका बेबी जो है ना वो 3 महीने का, मेरा बेबी का अभी 3 महीने होने वाले हैं, क्या उसे टोपी टाइम दे सकते हैं? दिलशाना जी मुझे कमेंट समझ में नहीं आया, मेरा बेबी का अभी मतलब 3 महीने का होने वाला है तो उसे टमी टाइम दे सकते हैं? टमी दिलशाना जी सॉरी मुझे आपका कमेंट समझ में नहीं आया, आप मुझे रिप्लाई दो, मुझे आप फिर से करना, मैं देखूंगी। कनक पंजवानी भी जी हैं, किरणजीत उनका भी आया था, हेलो दी, मदर फीट बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, दाल वैसे रिप्लाई किया था मैंने, तो दाल खानी चाहिए, मूंग की दाल खानी चाहिए, ये सब खाना चाहिए। ठीक है, इंदु जी भी मुझे डेली कमेंट करती हैं, इंदु डीसी थैंक यू सो मच। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से मैं आप सबके नाम भी ले रही हूँ और साथ साथ में कमेंट भी पढ़ रही हूँ। दी विश्वास लाइफस्टाइल बोल रहे हैं, दी आपका तो थोड़ा सा भी पेट नहीं निकला है, तो जीरे वाला पानी किस टाइम, जीरे वाला पानी कब तक पीना है? देखो जब तक, वैसे तो मैंने 2 महीने पिया था, अब नहीं पी रही हूँ मैं। हाँ जब भी जैसे बेबी को फीड वगैरह करवाती हो तो दिन में एक बार ले लेती हूँ, तो 2 महीने तो पीजिए आप। ठीक है, मधु ठाकुर आप सर्दी में क्यों युवान को टोपी, हाँ ये रहे ना मधु ठाकुर जी ने बोला था कि आप सर्दी में युवान को टोपी क्यों नहीं पहनाते हो, तो आपको बता दिया क्योंकि उसको ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीने बहुत आते हैं उसको। उमर अली जी उनका भी डेली ही कॉमेंट आता है, अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए आप सबके मैंने नाम ले लिए हैं और कैसा लगा मुझे बताना, मैं करती हूँ वीडियो का एंड क्योंकि मुझे नहाने जाना है, अभी मैं नहा ही नहीं हूँ इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय। टाइम तो ऐसे भगता है, बस पूछो मत, आने का भी टाइम होने वाला है। चलिए बाय बाय।